हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं लहंगा के ऊपर। तो लहंगे को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके मेजरमेंट को समझ लेते हैं फोटोशॉप के अंदर, कि आप उसके मेजरमेंट को किस तरीके से फोटोशॉप में सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम उसके ऊपर कैसे डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है सेटअप करना। तो हम आते हैं यहाँ पर, ओपन करते हैं हमारा फोटोशॉप। और फोटोशॉप जैसे ही ओपन होता है तो उसमें हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप लोगों को पेज किस साइज़ का लेना है। तो हमें पेज जो लेना है, तो यहाँ पर हम पहले क्लिक करते हैं न्यू पे। जैसे मैंने यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया है और आपको आ जाना है यहाँ पर उसके मेजरमेंट में, तो इसे सेलेक्ट कर लेना है इंचिस में। तो वैसे तो बेसिकली नीचे का बॉटम जो हिस्सा होता है लहंगे का, वो 14 इंच का अवेलेबल होता है, चाहे तो उससे कम ज़्यादा भी होता है। और ऊपर का कितना लेना है वो होता है 7 इंच का। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक एक इंच लेफ्ट और राइट से हमें उसे एक्स्ट्रा रखना है। तो हम उसमें 14 में प्लस कर देंगे 16, यानी कि 2 प्लस करने से हमारा टोटल होता है 16। और हाइट आपको एज यू विश, जो आपको जिस साइज में लहंगा बनाना है उसके मेजरमेंट को आप खुद माप और मेजरमेंट ले सकते हैं और उसका ही हाइट आप यहाँ पर रखें। तो आपको यहाँ पर मैं नॉर्मली 14 इंच का ही बता रहा हूँ, प्लस यहाँ पर रेजुलेशन मैंने यहाँ पर रख दिया 150। तो ये हमारा आ गया है यहाँ पर मेजरमेंट। अब इस मेजरमेंट में अगर देखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि कुछ मेजरमेंट अवेलेबल है, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि जब रिमूव करूँगा तभी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि आपको किस हिसाब से इसमें मेजरमेंट रखना है। चलिए, तो अभी यहाँ देख रहे, तो ऊपर रूलर बार में ये पिक्सल के अंदर आ रहा है तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम कीजिए, इसकी सेटिंग एडिट में जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा परफॉर्म्स, और परफॉर्म्स में मिलेगा आपको यूनिट एंड रूलर्स। यूनिट्स एंड रूलर में आएंगे तो यहाँ पर रूलर्स को कर देना है इंचिस में और उसके बाद कर देना है आप इसे ओके। तो ये पूरा का पूरा सेटअप आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंचिस में। तो सबसे पहला काम है कि आप एक नया रूलर लें और उसे आप सेंटर में अप्लाई करें। सेंटर में अप्लाई करने के बाद हमारा दूसरा पॉइंट आ रहा है कि हमें आजू और बाजू से हमें एक एक इंच पहले रिमूव करना है। ये एक एक इंच हम रिमूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब इसकी पैटर्न, मतलब जितनी भी कली बनेगी उसका प्रिंट निकलने के बाद कपड़े पर जब सिलाई, टेलर मास्टर इसके ऊपर सिलाई करेगा तो वो दबने में जा सकता है, इसलिए हमें हमेशा एक एक, या कटिंग में जा सकता है, तो इसलिए हमें एक एक इंच एक्स्ट्रा आजू बाजू मीन्स लेफ्ट और राइट से निकाल देना है। तो हमने यहाँ से एक इंच लेके यहाँ से हमने सेट कर दिया और पीछे से भी मैंने इसे एक इंच सेट कर दिया है। तो अब हमारा अंदर का पोर्शन बचा है 14 इंच का। अब 14 इंच का होने के बाद अब आपको क्या करना है कि हमें ऊपर का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कितना रखना है, हमें अंदर का हिस्सा ऊपर का सिर्फ 7 इंच का रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हम 3.5 इंच एक साइड से सिलेक्शन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ स्क्रॉल हो रहा है, तो हम इसको 7.5 इंच में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलेगा, देन आफ्टर एक दो पॉइंट चलेगा, लेकिन हमने इसको यहाँ पे रख दिया। सेम मेजरमेंट को उठा के हमने इस साइड लिया और इस रूलर बार को भी यहाँ पर सेट कर लिया है। अब अगर आप देखें तो हमारा अंदर का पोर्शन भी आ चुका है, बाहर का पोर्शन भी, और नीचे का हिस्सा भी हमने सेट कर लिया है कि हम रूलर बार के हिसाब से कैसे करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक रेक्टेंगल टूल का उपयोग करके इसमें हम उस मेजरमेंट को सेट करते हैं लहंगे के साइज में। तो हम पहला क्या करते हैं, रेक्टेंगल टूल लेते हैं और इसे पहले ऊपर से लेके नीचे तक 14 इंच में ही पूरा ड्रॉ करवा लेते हैं। तो ये बड़ी ही आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। चलिए, ये एकदम परफेक्टली, इसमें हम थोड़ा कलर डाल देते हैं जिससे आपको नज़र में आए कि मैंने इसमें ड्रॉ किया है कि नहीं।
अब ऊपर साइड देखें तो ये थोड़ा सा बाकी, इसको भी हम सेट कर देते हैं। और उसके बाद किया हमने इंटर। अब आपको इसको लहंगे के शेप में कैसे, लहंगे की कली की शेप में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टॉप पे आना है। तो टॉप का हिस्सा हमें कितना रखना है, 7 इंच, और नीचे का हिस्सा आपको 14 इंच। तो ये नीचे का हिस्सा ऑलरेडी 14 इंच का ही है, लेकिन हमें ऊपर का 7 इंच में कन्वर्ट करना है पूरा सेंटर के साथ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है कंट्रोल टी, और हमें यहाँ पर राइट क्लिक करके ऑप्शन मिलेगा प्री सेप्टिव टूल, इसको क्लिक करना है, और इसके एक कॉर्नर को पकड़ के अंदर की ओर जैसे दबाएंगे तो दोनों साइड के कॉर्नर आपके अंदर की ओर एक्सपेंड होंगे, और एग्जैक्ट लाइन पे ला के उसे आपको कर देना है स्टॉप और इंटर मार देना। अब इसके बाद जीरो करते, तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये एकदम लहंगे की जो कली होती है उस साइज में सेट हो गया। अब ये जो साइज हमने सेट कर दिए, तो अब इस साइज के ऊपर आपको डिज़ाइन बनाना है, जो भी लहंगे की आपके दिमाग में डिज़ाइन चल रही उसको आप इस पर बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसके ऊपर, इस साइज के ऊपर डिज़ाइन लहंगे की बना सकते हैं। आई होप यू दोस्तों कि समझ में आया होगा कि किस तरीके से लहंगे की कली का आप शेप और मेजरमेंट सेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।